टोंक जिले के उप पंजीयन कार्यालय में 11,500 की रिश्वत के साथ पकड़े गए आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 1 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में टोंक एसीबी जांच में जुटी है। अजमेर एसीबी के सरकारी वकील सत्यनारायण चितारा ने बताया कि टोंक एसीबी की ओर से टोंक निवाई के उप पंजीयन कार्यालय में तैनात कमलेश कुमार मीना पर 30 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 0.5% 15,000 रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड की गई थी और 11,500 रिश्वत की रकम को लेकर सौदा तय किया गया। परिवादी वकील जितेंद्र कुमार ने इस मामले में एसीबी को शिकायत दर्ज कराई। एसीबी टॉक ने इस मामले में आरोप का सत्यापन कराते हुए एडिशनल एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया और उप पंजीयन कार्यालय में बाबू के पद पर तैनात कमलेश कुमार मीना को 11,500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कमलेश द्वारा रजिस्ट्री बनने के बाद भी रिश्वत की रकम नहीं दिए जाने आप भी रजिस्ट्री नहीं दी गई थी। आरोपी से इस मामले में पूछताछ के बाद अजमेर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां आरोपी को 1 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में एसीबी टोंक द्वारा जांच की जा रही है और इस रिश्वत की राशि में कौन कौन लिप्त है इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें टोंक जिले का है मामला, उप पंजीयक निवाई रजिस्ट्री का मामला है। इसके अंदर रजिस्ट्री कराई थी प्रार्थी ने, तो उसकी पार्टी को रजिस्ट्री 30 लाख की जो रजिस्ट्री कराई थी उसके एवज में 0.5% के हिसाब से वरिष्ठ लिपिक कमलेश कुमार मीणा वहाँ के कर्मचारी हैं जो 15,00,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसके 11,500 रुपये में सौदा तय हुआ और 11,500 रुपये रिश्वत लेते हुए वो ट्रेप किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसको 1 अक्टूबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। परिवादी इसके अंदर जितेंद्र कुमार बाकोलिया है जो LLB पढ़ा हुआ है और वो रजिस्ट्री का काम ही करता है, रजिस्ट्री कराने का। तो उसने रजिस्ट्री भी हो गई थी 16 तारीख को, लेकिन रजिस्ट्री नहीं दे रहा था बिना रिश्वत राशि लिए हुए, इसलिए रिश्वत राशि लेते हुए उसको पकड़ा गया, ट्रेप किया गया। मैं सत्यनारायण चितारा, सहायक निदेशक अभियोजन, ACB कोर्ट, अजमेर।